हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज किस वीडियो में जो विप्रो प्री स्किलिंग ट्रेनिंग होती है उसको लेके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मन में डाउट होता है कि सर, जब हम ट्रेनिंग ले जाते हैं तो क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमको याद रखना चाहिए। जैसे कि उनकी ये भी डाउट होता है कि सर, अगर हम ट्रेनिंग ले जाते हैं जो हमारे एग्जाम होते हैं उसके बाद कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, किस डोमेन पे होता है, ये डोमेन वाइज होता है या मतलब सबको कंबाइन करके ये ट्रेनिंग कराए जाते हैं। इसके अलावा गाइस, इनको ये भी डाउट होता है कि सर, अगर हमारी अगर सेशन 6 मार्च को हुई, जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो हमारी ट्रेनिंग कब तक उसका मेल आ जाएगा, कब तक हो जाएगा, या जो ट्रेनिंग होगी कितने दिन चलेगी। ये सारे जो डाउट है ये कैंडिडेट्स के मन में रहता है। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो आपके लिए बनाऊं और सब कुछ इसमें डिटेल्स बताऊं। तो आप लोग वीडियो एंड तक बने रहना ताकि जो भी मैं बताऊं वो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको किसी भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या हायरिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल पर आकर डेली बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपको पता चल सके। तो चलिए गाइस, हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले कि आप सबको पता होगा कि इस टाइम विप्रो जो है आप लोगों को एनजीए ट्रेनिंग के लिए बुला रही है और ट्रेनिंग दे रही है। उसके बाद आप लोगों के मन में जब आप लोग वहां जाते हो तो डाउट होता है कि सर, हमारी जो एक ट्रेनिंग है कितने दिन चलने वाली है, कितने अटेम्प्ट मिलेंगे। तो गाइस, सब कुछ मैं अभी स्क्रीन शॉट के थ्रू देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना, यहाँ से बिल्कुल स्किप मत करना, वरना आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आने वाला है कि मैं क्या क्या आपको बता रहा हूँ, और आपके डाउट के डाउट वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ये आपकी प्री स्किलिंग ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं, जो कि गाइस आप लोग के मन में डाउट होता है कि सर क्या क्या इसमें होता है, एक बार हम लोग को बता दीजिए। तो मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ कि अगर आपकी ओरिएंटेशन सेशन था वो 6 मार्च को हुआ था और आपकी ट्रेनिंग की जो डेट आई थी वो 11 मार्च को आई थी, ये बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनको ये डेट आया भी था। उसके बाद गाइस, अगर आप कैंडिडेट इलाइट फेज कैंडिडेट हो या सेल्फ के भी कैंडिडेट हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है। तो गाइज, इनकी ट्रेनिंग की बात करें कि जो आपके मन में होता है कि सर ट्रेनिंग कितने डेज चलेंगी, तो गाइज आपके बता दूं कि ट्रेनिंग बहुत सारे ऐसे बैच है जिनके कि 10 दिन ही ट्रेनिंग चली थी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कि 20 दिन भी चली थी, लेकिन जो अब इनकी प्रोजेक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो ये कम दिन में ही निपटाने की कोशिश करते हैं, जल्द से जल्द ट्रेनिंग करा देते हैं। तो गाइज, उस दौरान जब आप ट्रेनिंग में जाते हो तो आपके मन में डाउट होता है कि सर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर देयर। तो गाइज, आपको मैं बता दूं कि जो अटेम्प्ट मिलते हैं केवल आपको एक अटेम्प्ट मिलता है, एक अटेम्प्ट में आपको एग्जाम को क्लियर हो करना होता है, वरना आपको फिर से आगे की अनबोर्ड नहीं मिल पाएगी और आपको वेट करना पड़ सकता है, या आपको वहां से वो निकाल भी सकते हैं। उसके बाद गाइज, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको एक डाउट होता है कि सर जो ट्रेनिंग चलेगी वो किस डोमेन पर चलेगी। तो गाइज, यहाँ मैं पाइथन लिखा हूँ लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे डोमेन हैं जिस पे इनकी ट्रेनिंग चलती है। अगर आपको पाइथन बैच के लिए बुलाएं तो उसमें केवल जो कैंडिडेट रहेंगे केवल पाइथन के ही आपको मिलेंगे, उसके अलावा और किसी भी डोमेन के उसमें कैंडिडेट नहीं मिलने वाले हैं। तो ये गाइज, ये होता है डोमेन वाइज इनकी ट्रेनिंग चल रही है। इसके बाद गाइज, एक और भी डाउट होता है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ द एग्जाम, एग्जाम की लेवल क्या होता है। तो गाइज, आपको सबसे पहले ये बता दूं कि वहाँ दो असेसमेंट कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें कि गाइज एक जो होता है स्लाइटली टफ होता है, टफ लेवल का होता है, और जो दूसरा होता है इंटरमीडिएट लेवल का होता है, और जो सेकेंड जो होता है वो इजी होता है, वो उसको आप लोग बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो, उसमें ज़्यादा कोई वास्ट क्वेश्चन वगैरह नहीं रहता है। तो ये गाइज जो आप लोग का डाउट है, अगर डाउट क्लियर हो गया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, और भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, आपसे फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।